नमस्कार, स्टेट टाइम्स देखने वाले सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि धनतेरस हिंदू त्योहारों में से सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है, और आज के दिन बहुत सारे लोग खरीदारी करने आते हैं, कुछ सोना चांदी और बर्तन खरीदते हैं। तो आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि उनके धनतेरस पे क्या खास चीजें वो करने वाले हैं। और इस वक्त हम एक बर्तनों की दुकान पर हैं और बहुत सारी लेडीज ने यहाँ पर शॉपिंग की है, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट टाइम्स। हाँ जी, आज धनतेरस पर क्या खरीद कर आप घर लेकर जा रहे हैं? आज हम थोड़े बर्तन खरीदे हैं। जी, खरीदे हैं तो आज जरूरी है ना, पूजा पाठ के लिए। हाँ जी, है ना, बहुत जरूरी है जी, पूजा करने के लिए मैंने खरीदे हैं थोड़ा जी। तो जैसे भी मतलब जमाना बदलता जा रहा है, नई नई पीढ़ी आ रही है, लोगों को लगता है कि ठीक है क्या ही फर्क पड़ता है, बर्तन नहीं भी खरीदे तो चलेगा। आप क्या समझते हैं कितना जरूरी है? जरूरी है, जिनके पास है तो उनके पास जरूरी है, जिनके पास नहीं है तो उनके बेचारों को लिए कोई जरूरी नहीं होता। वो तो बेचारे चलता है जैसे चलता है, मतलब ऐसे ही तो है, ऐसे मतलब खरीदते हैं, मन तो सभी का करता है ना खरीदने के लिए, वो तो है, शॉपिंग तो सभी करते हैं, सबको पसंद है जी। बहुत बहुत शुक्रिया और धनतेरस की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो, आपका क्या नाम है? आराध्या। आराध्या, आपको धनतेरस के बारे में कुछ पता है? इतना कुछ तो नहीं पता है, ज्यादा तो मेरी दादी को पता है। वेरी नाइस। दादी से क्या आपको, मतलब आप शॉपिंग करने आए हो, आपने हाथ में बर्तन भी पकड़े हैं, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उन्हें विश कर दोगे आप? हैप्पी धनतेरस। यहाँ पर देख, हैप्पी धनतेरस। ओके, गॉड ब्लेस यू। तो आपने देखा कि मतलब हमारे जम्मू कश्मीर की मैं क्या बात करूं, पूरे भारत में ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। और आज के दिन आप देखेंगे लेडीज जो है खास तौर पे बहुत सारी शॉपिंग करके जाती है, सोना चांदी और तरह तरह के बर्तन होते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी थाली मेरे हाथों में है, और पहले तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्टेट टाइम्स। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे धनतेरस पर? आज आप ये थाली, हाँ था, मैंने ये भगवान जी के लिए, ठाकुर जी के लिए थाली मैंने लेनी है, क्योंकि जो मैं आज पदार्थ बनाऊंगी तो वो तो पहले भगवान जी को भोग चढ़ाऊंगी जी। तो जैसे दिवाली से सिर्फ दो दिन पहले ये त्योहार आता है और दिवाली का वो एक फ्लेवर हम सबके उसमें आ जाता है, तो आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये दिन बड़े अहल शोहरा से मनाना चाहे, क्योंकि घर की लक्ष्मी, इसको हम मानते हैं कि हमारे घर में हम अपने लक्ष्मी को आहान करते हैं जी, जी। तो इसलिए मनाना चाहे त्योहार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी धनतेरस। तो यहाँ पर आपको बर्तनों की थोड़ी सी वैरायटी दिखाते हैं, जहाँ हम बात करते हैं बी लोक कहते हैं ना, वोकल फॉर लोकल की हम बात करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको स्टील और तांबे में बहुत सारी वैरायटी दिख रही है, और क्योंकि हेल्थ वाइज भी प्लास्टिक को हमें यूज नहीं करना चाहिए, और ये जो स्टील के और एल्यूमिनियम के जो बर्तन है ये हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं, और आजकल लोगों में वो जागरूकता है कि वो प्लास्टिक को बंद करके इस तरह के बर्तनों को खरीदते हैं। और आप अगर अभी आप सोच रहे हैं कि आज मैं क्या खरीदूं और क्या नहीं खरीदूं, तो आपकी ये मुश्किल हमने आसान कर दी है, क्योंकि स्टेट टाइम्स के माध्यम से हम आपको आज बाजारों की रौनक दिखा रहे हैं, और आज धनतेरस के इस शुभ अवसर पर आप घर बैठे सारी की सारी कलेक्शन देख सकते हैं। तो आइए अब दुकानदार से भी हम बात करते हैं कि खरीदारी में कितना फर्क पड़ा है और किस तरह की डिमांड आजकल जो क्लाइंट्स की है या जो कस्टमर्स की है वो हम जानते हैं। सर, पहले तो धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आपको जी। जी, शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि आज का जो क्लाइंट है या जो कस्टमर है बहुत क्लेवर है और उनमें बहुत सारी अवेयरनेस है, क्या कुछ खास आपको आज और पहले के धनतेरस की खरीदारी में या बेचने में लगा? आज से पहले 5 साल पहले जो धनतेरस का जो दिन त्यौहार जो लगता था ना जी, वो 3 दिन चलता था जी, लेकिन आज ऐसा हो गया 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए हैं कि जब धनतेरस एक दिन में काम निकलता, बस एक दिन में कितना काम निकल सकता है, कितना कस्टमर को सामना बड़ा मुश्किल होता है जी, लेकिन एक दिन में इतना अटेंड नहीं कर सकते जी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक निकल जाता है काम, अच्छा निकलता है एक दिन में। आज के जमाने में लोग प्लास्टिक को अवॉइड करके और लोहे की और स्टील की और एल्यूमिनियम की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके पास क्या वैरायटी है और कितना जरूरी समझते हैं आप? हमारे पास देखो जी, पहला नंबर तो स्टील जो सबसे ज्यादा चलती है,
अब टेंट बदल चुका है, अब आ रहा है पीतल चल रही है, ज्यादा कांसे के बर्तन चल रहे हैं, कॉपर के जग जैसे बोतलें, फिर पानी पीने के लिए जो सेहत के लिए सबसे अच्छी चीज है ये तांबे की कॉपर की, खाना खाने के लिए कांसे के थाल, ये भी बहुत अच्छे हैं। पहले बुजुर्ग जो होते थे जिनकी उम्र 100-100 साल चलती थी तो वो इसी में खाना खाते थे कांसे में, आज तो चलो स्टील चल गई तो लोग स्टील में चलते हैं, स्टील सबसे ज्यादा स्टील ही बिकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विश देना चाहेंगे धनतेरस? बस जी धनतेरस की बहुत बहुत मुबारक हो सब जम्मू वासियों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए आपको थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, और यहाँ की वैरायटी तो हमने आपको दिखा दी, और जिस तरह से बहुत अच्छा मैसेज दिया इन्होंने, एक तो इन्होंने बताया कि किस तरह से आज के दौर में धनतेरस या किसी भी त्यौहार की अगर हम बात करें वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन का ही क्रेज लोगों में रह गया है, पहले बाजारों में जो रौनक होती थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आई है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे आपको लेकर चलते हैं, और यहाँ पर भी आपको हम दिखा सकते हैं कि जो लोग बैठे हैं वो तरह तरह के बर्तन और बहुत ही खूबसूरत सी चीजें खरीदारी में लेकर जा रहे हैं अपने घर, और क्योंकि धनतेरस पर ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का वास होता है, और इस दिन तरह तरह के बर्तन चाहे सोना चांदी या फिर पीतल या स्टील में जब आप घर लेकर जाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और आप बर्तनों की वैरायटी तो आप देख सकते हैं कि तरह तरह के बर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कुछ लेडीज यहाँ बैठी है डेफिनेटली, क्योंकि घर की लक्ष्मी जो है वो घर की औरत को माना जाता है, तो आइए इनसे जानते हैं। मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट टाइम्स में जी। आज क्या खरीदारी आप करके जाने वाले हैं? क्या खरीदारी लेने हैं? थाल लेने हैं और ये लेना है जी। अच्छा जी, आपसे बात करते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिल्पा। शिल्पा जी, ये आप आज खरीद के लेके जाने वाले हैं? नहीं, हम सिर्फ देखने आए हैं इनको जी। तो मैम आपसे जानना चाहूंगी कि कितना जरूरी है आज के दिन बर्तनों को खरीद कर घर लेकर जाना? शुभ होता है लक्ष्मी जी, वो होती है ना दीपावली के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। तो मैम जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं धनतेरस की शुभकामनाएं दे दीजिए। शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज्यादा हम तंग नहीं करेंगे लेडीज को, क्योंकि आप सब समझते हैं कि जब लेडीज शॉपिंग करती हैं तो उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होता है। तो चलिए थोड़े से और विजुअल्स आपको दिखाते हैं, क्योंकि दो दिन के बाद दिवाली है, और दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, और दिवाली से सिर्फ दो दिन पहले यानी कि आज धनतेरस के दिन हम आपको स्टेट टाइम्स के माध्यम से विजुअल्स दिखा रहे हैं, जहां पर लोग तरह तरह के बर्तन खरीद कर अपने घर लेकर जा रहे हैं, और कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें लेकर जाएं, वो आपकी कंप्लीटली चॉइस है, पर हाँ आज के दिन खरीदारी करना बहुत जरूरी होता है, और ये हमारे शास्त्रों के अनुसार कुछ मान्यताएं बनी हुई हैं जिन्हें मुझे लगता है कि लोगों को जरूर फॉलो करना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर एक पर्सन है, मैं सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी स्टेट टाइम्स में। थैंक यू। धनतेरस के दिन आप क्या मानते हैं कि कितना जरूरी होता है बर्तनों को खरीदना? एक प्रथा चल रही है तो उस वजह से सब कहते हैं कि अच्छा है बर्तन खरीदना, तो इसलिए हम भी खरीदते हैं। सर जैसे आज की जो युवा पीढ़ी है बहुत मॉडर्नाइजेशन के जमाने में अपने कहीं ना कहीं चीजों को भूलते जा रहे हैं, उन्हें शायद लगता भी है कि हाँ ठीक है नहीं भी खरीदेंगे, क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसी युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाह अपने जो हम पिछले काफी समय से जो चीज कर रहे हैं उसको हमने अपने कल्चर को कंटिन्यू करना चाहिए, वही हमारे लिए भी अच्छा है, नई जनरेशन के लिए भी अच्छा है, बस इतना। थैंक यू सो मच सर, आप शॉपिंग जो है वो जारी रखें। आपसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि सर हम देख रहे हैं यहाँ पर तरह तरह की वैरायटी है, सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो किन बर्तनों की है? इस पर तो आजकल ज्यादा ब्रास के बर्तन, कॉपर के बर्तन और कांसे के बर्तन ज्यादा डिमांड आ रही है उसकी जी। वो पवित्र माने जाते हैं, बाकी स्टेनलेस स्टील के भी बर्तन लोग ले रहे हैं, कॉपर और ब्रास के ज्यादा चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि कुछ जो दर्शक हमारे घर बैठे हैं उन्हें हम कुछ वैरायटी दिखाएं कांसे और जो दूसरे टाइप के बर्तन हैं। ब्रास के ग्लासेस हैं सर, आप पकड़ के। तो ये ब्रास के ग्लास हैं, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल में आए हुए हैं आजकल मार्केट में, एक इस किस्म का है, वो जग हैं ब्रास के, उसके बाद कॉपर की बॉटलें वगैरह, कॉपर के ग्लास हैं, इसके अलावा ये पीतल की आजकल हांडी वगैरह है, इसकी बहुत डिमांड है, इसमें खाना खाने के लिए हेल्थी होती है ये आइटम। तो
मैं हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ अगर आप विजिट करेंगे, आप इसे उठाकर इसका वेट जो है जब आप पकड़ेंगे ना हाथ में, आपको महसूस होगा कि आप एक तो खूबसूरती के साथ साथ इसका वेट और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। और क्योंकि आज की जनता बहुत ही स्मार्ट और उन्हें अवेयर, वो लोग अवेयर है कि हमारी हेल्थ के लिए हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसी के साथ आप देखिए, इस पे थोड़ा सा डिजाइन मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जो व्यूअर्स अभी भी प्लान कर रहे हैं कि वो शॉपिंग करने के लिए आएंगे शाम को, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं मार्केट में। एज पर योर चॉइस आपको जो भी खरीदना है, मार्केट में तरह तरह के बर्तन जो है वो आ चुके हैं। तो ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं खास एक्सक्लूसिव धनतेरस पर। स्टेट टाइम्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्तनों की बहुत सारी वेराइटी है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक शेयर कमेंट करें। और कैमरा पर्सन शिल्पा ठाकुर के साथ अमर चौहान, स्टेट टाइम्स।